नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं पूजा शर्मा। परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए देश के सुप्रसिद्ध शिक्षा के समाजशास्त्री, दार्शनिक, अनेकों पुस्तकों के लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर एमपी सिंह ने टिप्स दिए। डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा कि ईमानदारी से परीक्षा देने के परिणाम बेहतर होते हैं। नकल का सहारा नहीं लेना चाहिए तथा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पता है। तो ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर लिखें, वही आंसर नंबर लिखें। क्वेश्चन लिखकर के आंसर लिखने की कोशिश ना करें, समय को खराब ना करें। सबको पता है कि कौन सा पेपर था, वो पेपर उनके पास में होता है, पेपर के सॉल्यूशन उनके पास होते हैं। इसलिए आप आंसर नंबर वन, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर थ्री लिखते हुए चले। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, कोमा इन्वर्टेड कोमाज में करें। जिस वैज्ञानिक ने जो बात कही है, जिस कवि ने, जिस लेखक ने जो बात कही है उसी के शब्दों में लिखें। उसका नाम जो लिखेंगे और उसका नाम कोट करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई एक नंबर भी काटने वाला नहीं है। बार बार बाथरूम इधर उधर ताकना, झांकना, खींचना, ये चीज कभी ना करें। नकल करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे अपने आप बिना नकल के जो आज पेपर कर रहा है उसका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उसको ज्ञान हो जाता है। अब दो दिन पेपर में नकल करा दी और एक दिन खिंचाई कर दी और एक दिन फ्लाइन बैठ गई तो उस दिन सारा सत्यानाश हो जाता है। तो ये सोचो कि रोज फ्लाइन आए, ये कहो कि फ्लाइन मेरे पास ही बैठी रहे, मुझे क्या करना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे कपड़ों में, मुझे क्या लेना देना है, मैं अपना पेपर कर रहा हूं। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती जो करते हो, पेपर देने के बाद जब आते हो, पेपर हॉल से निकलते हो तो सबके हाथों में पेपर होता है और सब डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं ये करके आया था, मैं ये करके आई थी, मैंने ऐसे लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था, तू गलत करके आई है, तूने गलत किया था, तेरा गलत है, मेरा सही है, वहीं झगड़ा हो जाता है और घर तक तो पहुंचते नहीं, इतने तो डिप्रेशन में जाते हैं। सरला कह रही थी ना, मेरी मैडम कह रही थी ना, मेरे सर कह रहे थे ना, तुमने तो गलत कर दिया। तो अध्यापकों से भी अनुरोध है कि उस समय एवोल्यूशन करने की कभी जरूरत ना करें। पेपर देने के बाद तुरंत उस पेपर को अपनी जेब में रखो, सीधे अपने घर पहुंचो, खाना खाओ, आसन लगाओ, मेडिटेशन करो थोड़ा सा और अगले पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो। कोई भी पूछे कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बताना जरा, पेपरों के बाद बताऊंगा। अच्छा, तेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, जब भी तुम, कोई बात नहीं, जैसा हुआ ठीक है, मैं नहीं बताता। उस समय पर आपका थोड़ा सा, घर में भी अनपढ़ बहुत सारे होते हैं डिप्रेशन देने वाले, आप ये कह दोगे ना, ये तीन चार प्रश्न छूट गए मम्मी, मुझे पता था ना, पढ़ता तो है नहीं, पढ़ेगा नहीं तो पेपर ही छूटेंगे, तीन चार ये छूट गए, तीन चार गलत हो गए, देख तेरे बाप से कहूंगी, फिर शाम को देख लो, घर में हो गया विध्वंस। इसलिए मत किसी को पेपर दिखाओ, जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, बुरा हुआ तो भी तुमको पता है और अच्छा हुआ तो भी तुमको पता है। ये भी नहीं घर जाकर के कॉपी खोलना शुरू कर दो उसी विषय की, देखूं मैंने क्या क्या लिखा है, ये सही है या, दो घंटे तीन घंटे उस पर खराब मत करो, दिमाग खराब और हो जाएगा, अगर यदि मिलान नहीं हुआ तो और अगले डिप्रेशन में चले जाओगे। सोचो सिर्फ कि पिछले जो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ था, जो हमारा प्री बोर्ड हुआ था, करने के लिए तैयारी तो अभी है ना, अभी कर लो, जो करना है वो कब करना है, पेपरों से पहले करना है। अब करके देखो, पिछले पांच साल का पेपर है, कोई एक पेपर लेके बैठ जाओ, तीन घंटे के समय बैठना ही तो लिखना ही तो है, फिर देखो
फिर उसे अपने आप चेक करो, फिर कॉपियों से चेक करो, फिर मास्टर जी से कराओ, फिर मम्मी को भी दिखाओ, पापा को भी दिखाओ, फिर पापा से कहो कि मुझे इसके एक्सपर्ट से मिलना है, मेरे ये जवाब ठीक नहीं है। लेकिन उस समय के एग्जाम में ऐसा आपने नहीं करना। यदि ऐसा करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।